हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। सीबीएसई मॉडल टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। जो लोग भी फर्स्ट नहीं देखे हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि पल पल के अपडेट के लिए बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई के लिए 10 टेस्ट में कराऊंगा, 10 पूरे के पूरे, वो भी फुल लेंथ रहेंगे, सभी सेक्शन के रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगेगी यदि तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर जो भी नए हैं लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर का जो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी चीज़ का, अब जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करिए, प्रत्येक वीडियो का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है गोपथ ब्राह्मण? तो है आपका अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपना कॉपी पेन लेके भी करिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगा, तब तक अपना आप आंसर ढूंढ लीजिए, या तो पॉज कर दीजिए वीडियो को, तब अपना आंसर ढूंढिए। इसके बाद आप लोग बताइए जरूर कमेंट में कितना सही हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नैनार कौन थे? तो नैनार कौन थे, ये थे शैव धर्मानुयायी। ठीक है, शैव धर्मानुयायी थे, शैव धर्म से संबंधित थे। कौन? नैनार थे। जब बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पे? बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था? यह गुजरात में। ठीक है ना, चलिए। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल कृत्य चैत्यगृह स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है हीनयान का? तो ये आपका कार्ले में। ठीक, कहाँ है? कार्ले। कार्ले कहाँ है? लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है कार्ले, ये भी ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपका राजगृह में। कहाँ स्थित है? राजगृह में। अच्छा, अब राजगृह में स्थित है, तो चलिए नेक्स्ट है। इसके बाद ये किससे संबंधित है ये बात कर लिया जाए, तो है बौद्ध से संबंधित है। किससे? बौद्ध संगीति से। चलिए, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? राजधानी थी, तो द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? होयसल की। किसकी? होयसल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जय संहिता नाम से। ठीक, चलिए कैसी लगी, लग रही वीडियो जरूर बताएं कमेंट में। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी और भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के हुणों को पराजित स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो यह आपका होता है भीतरी अभिलेख से, भीतरी स्तंभ अभिलेख से। ठीक है, चलिए भीतरी गाजीपुर में है, यूपी के गाजीपुर में। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? तो हर्ष ने प्रियदर्शिका का भी रचना किया है, नागानंद का भी किया है, रत्नावली का भी किया, लेकिन हर्षचरित का नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट आपका 10th नंबर कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो किसे दी थी इन्होंने? तो ये दिए थे आपका दारा शिकोह को। कौन? उसको दारा शिकोह को, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग अपने से जरूर अपना आंसर पहले इवेल्युएट करें, फिर इसके बाद हम बताएंगे आंसर, तो उसमें से मिला लीजिए ईमानदारी से, आराम से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? ये हुआ था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। ठीक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। एक कब थे, कब से कब तक थे? थे 1962-1921, 1916 से 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। कब से प्रभावी हुआ था यदि बात किया जाए, तो ये प्रभावी हुआ था आपका जुलाई 18, 1947 से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपका, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था यदि बात किया जाए, तो अपनाया गया था आपका 1905 ईस्वी में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, किसने अपनाई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा।
ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका लॉर्ड, सॉरी सॉरी, इसका लॉर्ड कर्जन होगा, ठीक, वेलेजी नहीं, लॉर्ड कर्जन होगा आपका। फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट है आपका, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में है। ये भी आरओ एआरओ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा जा चुका है, अभी क्वेश्चन भी हाल ही में पेपर हुआ था 12 जनवरी को, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो भी देख सकते हैं, कहें कि उसमें से भी क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है पेपर में, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा, 15 का ए। चलिए नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? कौन से? तो उग्र नेताओं में कौन कौन से जानते हैं? लाल, बाल और पाल। यहाँ पर जाएंगे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो 3 लोग हैं, 1 लोग नहीं उसमें, जो नहीं है क्या है आपके, गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं है उसमें है, ठीक है। चलिए गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें, ठीक है। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो कौन था यहाँ पे आपके? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का 9 ग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो ये कब लहराया गया था, तो आपका हो जाएगा आंसर 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा पहली बार लहराया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था? तो भूदान आंदोलन का कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, इम्पोर्टेंट, ठीक है। जितना कराया जा रहा है एमसीक्यू, एमसीक्यू तो जरूर ही पार्टिसिपेट करिए और शेयर कर दीजिए जहाँ तक करना है आप लोगों को। शुष्कता दशा संदर्भित है किससे संदर्भित है? निम्न आर्द्रता से। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन है? तो बृहत्तम महाद्वीप कौन है दूसरा आपका? है अफ्रीका, ठीक। चलिए यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला बात किया जाए तो एशिया है, आप जानते हैं सभी लोग, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा की बात किया जाए तो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और चौथा की बात किया जाए तो दक्षिणी अमेरिका है, ठीक। पांचवा अंटार्कटिका हो जाएगा, और छठा यूरोप हो जाएगा, और सातवां ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, ठीक है। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? सभी लोग पता है कि उड़ीसा महानदी है। चलिए नेक्स्ट है आपका, कि बेतवा नदी किससे मिलती है, किस नदी से मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका यमुना से। भारत के कितने राज्य समुद्र के भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? आप लोग अपना लिख रहे हैं तो जरूर कमेंट करें कि हाँ लिख रहे हैं सर, इसको बता दीजिए कितना सही हुआ किसका, कितना गलत हुआ। आपको हो जाएंगे 9, ठीक, 9 राज्य। चलिए नेक्स्ट है आपका, अच्छा अभी आप जान लीजिए कौन कौन मिल रहे हैं, अभी आप देख लीजिए तब कौन कौन है शुरू से। अच्छा इस साइड से पश्चिमी तट से आपको गिनवाना शुरू करते हैं, गुजरात से लेकर, तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल, ऐसे ही करके ऐसे जाते हैं तो हो जाएगा आपका 9 राज्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, कौन सी है? जलोढ़ मृदा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, ओरोबैंकी खरपतवार कहाँ पाया जाता है साधारणतः? ये पाया जाता है आपका तंबाकू के खेत में पाया जाता है। देखिए ओरोबैंकी होता क्या है, हिंदी में आंग्या के नाम से जाना जाता, जाने जाने वाला या परजीवी किस्म का पौधा है, पौधा, ठीक है ना। तंबाकू के अलावा यह चना भी में पाया जाता है, सरसों में भी पाया जाता है, और टमाटर में भी पाया जाता है, जीरे की फसल में भी, जीरे की ये सब भी पाया जाता है, ठीक। और ये चौपट कर देता है, मतलब जैसे कि बर्बाद काफ़ी नुकसान करता है इन लोगों खेतों को, फसलों को। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ये सभी लोगों को पता होगा, किसमें? डी, सोयाबीन के दाने में। यदि हमारा वो देखे होंगे आप लोग वीडियो विटामिन्स वाला, तो उसमें ये था क्वेश्चन, ठीक
ठीक है। चलिए 29 वाला क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। तो उपयुक्त बीज दर क्या है, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, क्या है परिणाम इसका, तो देश में निर्यातों का बढ़ावा बढ़ना और आयातों का घटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न अवस्था में बच्चों में सामूहिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये तो एक बार आप कर चुके हैं, एक बार और देखिए जल्दी जल्दी इसको सही सभी मार्क के बताइएगा कि हाँ सही सभी लोगों का। इसमें किशोरावस्था हो जाएगा, शिशु असामाजिक होता है, कब असामाजिक होता है वह, 6 वर्ष तक वो असामाजिक होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस खेलने कूदने में मस्त रहता है बच्चा। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियाँ बच्चों को बनाती हैं, जब ज़्यादा अनुकूल हो जाता है परिस्थितियाँ तो बच्चों को घमंडी बना देती हैं। किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है पूर्व बाल्यावस्था के पहले। संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है, तो है शारीरिक स्वास्थ्य। चलिए, 3 वर्ष के बालक की स्मरण शक्ति भविष्य में कैसी होती है, तो इसमें कैसी होती है, ये बढ़ जाती है भविष्य में, स्मरण बच्चे हैं तो बच्चे भाई वो तो बढ़ेगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र व्यक्ति का प्रतिपादन किया है, किसने किया था यह प्रतिपादन, देखिए थे मॉन्टेसरी ने। बुद्धि का विकास होता है, तो बुद्धि का विकास होता है किशोरावस्था तक। सामाजिककरण वह सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, बकिंगम का। सामाजिक विकास का अर्थ है, सामाजिक विकास का अर्थ है क्लब में शामिल हो जाना, क्लब का सदस्य होना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, यदि नारियल सबसे बड़ा उत्पादक की बात किया जाए तो तमिलनाडु है, 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पे है, तो यदि इस्पात उत्पादन की बात किया जाए, पहले और दूसरे तीसरे चौथे नंबर पूरे की बात किया जाए यदि, तो तीसरा नंबर पर भारत आ जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर पर भारत आ जाएगा, और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बताइए तो यहाँ पे चीन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, और संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे दूसरा हो जाएगा USA। ठीक है, और भारत का स्थान तो है ही जानते हैं, तीसरा। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले को जिले में साक्षरता दर उच्चतम पाई गई थी, ये पाई गई थी कानपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में जनसंख्या घनत्व, भारत में जनसंख्या घनत्व के बारे में यदि कुछ कहा जाएगा तो क्या कहेंगे, नियंत्रण बढ़ रही है, जानते ही हैं बढ़ रही है, चीन को भी पीछे छोड़ने वाले है ये, इसीलिए बढ़ रही है हमेशा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है, तो कौन यदि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस दशक में हुई थी, किस दशक में हुई थी, दशक की बात किया जाए तो 2005 से 2010 कहलाने योग्य है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया, भारत ने प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो कहाँ से की जाती है, सभी लोगों को पता होगा कि 7 वर्ष की उम्र के ऊपर ही जनसंख्या को साक्षर माना जाता है, साक्षरता में गणना की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है, जितना वेरी कहा जाए उतना ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जितना मोस्ट लगा लीजिए कम। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका आंसर, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 31.2% मीन्स 31.2%, वेरी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। अच्छा लग रहा है वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी भी नहीं किए तो, ठीक है ना, क्योंकि इससे लाभ ही होगा आपको चैनल से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, वे हैं कहाँ से कहाँ तक है समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से 18। यदि अनुच्छेद 14 की बात किया जाए तो इसमें क्या पाया जाएगा 14 में, तो विधि की समान समता पाई जाती है, समानता। ठीक है, कानून की समानता पाई जाती है, और यदि 15 की बात किया जाए, 15 की बात किया जाए तो इसमें
जिससे कि विभेद न होने पाए धर्म, मूल जाति या तो लिंग आधार के, इसी आधार पे बेस बना के ये नहीं कहे किसी कास्ट का है इसलिए उसे विभेद नहीं करना चाहिए, ये 15 में दिया है। और 16 में क्या दिया है आपका कि जिसे लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता, कि कोई भी कार्य हो रहा है तो वहाँ सभी समानता, किसी मंदिर में जाना है तो भी समानता एकदम रहना चाहिए। और 17 में क्या है कि अस्पृश्यता की बात किया, छुआछूत या निम्न कास्ट के हैं या लो कास्ट के हैं तो हम छुआछूत की भावना इसमें न हो, ये 17 में कहा गया है। और 18 की बात किया जाए यदि तो ये उपाधियों का अंत है, जो लोग पहले राजा महाराजा लगाते थे वो उपाधियाँ अब समाप्त कर दी गई हैं, किसके, 18 के, आर्टिकल 18 के अनुसार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है, कहाँ से लिया है, अधिकार की बात किया जाए, यदि कर्तव्य की बात किया जाता तो सोवियत संघ रूस हो जाता, बट यहाँ पे मौलिक अधिकार वर्क कर रहा है तो ये यूएसए के संविधान से, ठीक है, तो यूएसए के संविधान से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद जोड़ा गया, ध्यान रहे के बाद जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया इसे, तो मुफ्त मुफ्त कानूनी सलाह बाद में जोड़ा गया है, ठीक, और सब पहले जोड़ा गया। चलिए आज ये अब है आपका मैथ सेक्शन का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, आज थोड़ा सा लेवल हाई करके रखा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लेवल आज हाई है। कह रहा है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। देखिए कैसे है आपका, देख लीजिए, यदि मैं कहूँ कि क्रमिक माने समझ, कि इंग्लिश वाले जान लें कि सक्सेसर होता है, सक्सेसर, ठीक है, जैसे यदि मैं कह दूँ कि क्रमिक ये है, आपको एम माइनस टू हो गया, एम माइनस वन हो गया, एम हो गया और एम प्लस वन हो गया और एम प्लस टू हो गया, ये हो गया तुम्हारा 5। 5 क्या है, क्रमिक संख्या हो गया, सक्सेसर नंबर हो गया। इनका राय इन दोनों इन सबको योग के ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाए, एस के बराबर हो जाएगा। अब सभी को ऐड करेंगे तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, हो जाएगा एस इज इक्वल टू 5 m, सॉरी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, एस इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब जब इतना आ गया हमारा तो इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए तो सबसे बड़ा पूर्णांक से पूछ रहा है ना, तो ये बताइए कि जब आपका इतना आ गया तो सबसे बड़ा कितना है, यम प्लस टू था ना, तो सबसे बड़ा कितना आ जाएगा, यम प्लस टू था, तो आपका यम कितना किसके बराबर है, यहाँ पे निकाले हैं एम इज इक्वल टू 5 m निकाले हैं, तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस अपान 5 हो जाएगा ना, एस अपान 5 हो जाएगा आपका, ठीक है, जब यहाँ पे एस अपान 5 हो जाएगा तो इसके बाद क्या, देखिए अब सबसे बड़ा यही है ना, बिग सबसे बड़ा ए है, तो इसमें यम की वैल्यू यदि रखेंगे तो हम लोग एस अपान 5 प्लस 2 हो जाएगा। अब यदि हम लोग एस अपान 5 प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो इससे इधर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एस प्लस 10 अपान 5 आ जाएगा, ये यस है यदि ऐसे कर दो तो, ठीक, तो किससे मिल रहा है आपको, मिल रहा है डी से। यदि थोड़ा भी नहीं समझ आया तो इसे फिर से रिवाइंड करिएगा, इतना ही वीडियो फिर से देख लीजिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका ए पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सबसे बड़ी संख्या है, तो ये आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं, यदि नियर अबाउट भी ले जाएंगे तो इसका यदि कितना हो जाएगा, 4.5 नियर अबाउट करेंगे तो 4.5 इसका यदि रूट होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा इसका, और इसका यदि 2 होगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और इसका यदि 3 मान लें 3 3 9 हो जाएगा, और ये भी इसका भी यदि 1 ही मान लें 3 आ जाएगा, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 12 वाला 6 6√5। देखिए इसमें ऐसे ही दिया रहता है तो हमेशा दिमाग थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगाना है उसमें, कॉमन सेंस भी लगाना है कि क्या हो सकता है, ये नहीं कि वहाँ पे पूरा बैठ जाए आप करने तो बहुत ही समय जैसे कि बहुत ज़्यादा लग जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से भी करने की प्रयास किया जाए सही है रहेगा। 53 नंबर क्या है आपका, 53 नंबर है कि एक भिन्न का हर
और उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा? नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। इंग्लिश वाले भी जान लें कि यदि नॉमिनेटर दिया है, डिनोमिनेटर दिया है, और जो है उसके अंश, नॉमिनेटर जो है, नॉमिनेटर से देखिए, देखो इंग्लिश वाले देख लें पहले, उसके अंश से 3 अधिक है। तो देखिए नॉमिनेटर से 3 अधिक है कौन? डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश से 3 अधिक है कौन? हर अधिक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना हो गया। अच्छा, जब इतनी की बात हो गई यहाँ पे, अब क्या कह रहा है? यदि नॉमिनेटर में 7 ऐड किया जाए, ठीक, और डिनोमिनेटर में 2 कम कर दिया जाए, मतलब हर में 2 कम कर दिया जाए, तो डिनोमिनेटर कितना था? n+3 था ना। इसमें से यदि मैं 2 माइनस कर दूं तो कितना आ जा रहा है? परिणाम रिजल्ट आ रहा है 2। यही है, देखिए इक्वेशन यही बना, इसी को सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ से 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा नीचे। तो n+7 / n+1 = 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना हो गया। अच्छा, अब इसका इधर मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आ जाएगा n = n+7 = 2n+2। 2 को इस साइड और n को इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा n = 5 आ गया। ठीक है, अच्छा, जब n = 5 आ गया नॉमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना था? 8। 3 ज़्यादा था तो नॉमिनेटर 5 हो गया, और डिनोमिनेटर कितना हो गया? 8 हो गया। अब प्लस पूछा है, नॉमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर को ऐड करने पर कितना आएगा? तो 8 और 5 कितना आ जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश और हिंदी वाले परेशान ना हो, अलग अलग हम प्रयास कर रहे हैं कि दोनों में समझाने की, और अगर नहीं समझ फिर एक बार वीडियो की रिवाइंड करिए, जरूर समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए 71 तथा एक अज्ञात, मतलब पता नहीं है किसकी संख्या की बात कर रहा है, संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणांक होगा? है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लीजिए। मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है जो संख्या, उसे एक्स मान लेते हैं। ठीक, एक्स हो गई ना। अच्छा, अब एक्स जब हो गया तो उसमें 71 से मल्टीप्लाई करने के लिए करा है, कर दिए हैं आप, फिर करा उसी में 47 ऐड कर दीजिए, ये भी ऐड हो गया। फिर क्या हो रहा है? न्यू आ रहा है, न्यू संख्या आ जा रहा है, न्यू आ गया। ठीक है, फिर करा है जो न्यू में डिवाइड करेंगे, न्यू में किसे? 77 से डिवाइड करेंगे तो 98 आ रहा है। तो ये न्यू बन गई ना, इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे जब कितना आना चाहिए? 98 आना चाहिए। ठीक है, तो 71x + 47/7 = 98, यही तो है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई जब करेंगे, 98 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 686। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 686 आ जाएगा। ठीक है, 686 आ जाएगा। इस साइड में क्या था? 41 and 71x + 47। 47 यहाँ प्लस करा, इस साइड जाके माइनस कर देगा, जब इसमें से माइनस कर देंगे 47 को, कितना बच जाएगा? 639 बच जाएगा। अब फिर 71x = 600, 639 है तो x = क्या हो जाएगा? x = हो जाएगा 71, जाके वहाँ डिवाइड कर देगा इसमें, तो कितना आ जाएगा? इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो आ जाएगा आप लोगों का 9। तो x = आ गया 9। जब x = 9 आ गया तो अब क्या, ये किसका गुणांक है, किसका मल्टीपल है? 9 3 का है। ठीक, समझ में आया ना? नहीं समझ आया तो फिर एक बार पीछे देखिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है आपका, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन जब वही 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 देती है। तो पहले तो ये देखिए, कॉमन सेंस भी लगाना है, ये नहीं घबरा जाना है देखकर क्वेश्चन को कि कैसे लगेगा। पहले देख लीजिएगा कि 7 से विभाजित होने पर 0 शेषफल आता है, आपका रिमाइंडर 0 बचता है। तो पहले तो यही देख लीजिए कि 7 से डिवाइड करने पर तो कौन इसमें 0 बच रहा है? एक ही है केवल आंसर नंबर ए।
ठीक है, क्या कर रहा हूँ समझ रहे हैं ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा हर क्वेश्चन आएगा ही उसमें, ठीक, ऑप्शन से भी कर लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो, 144 डिग्री हो, तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी हो, उसका कुल भुजाएं कितनी होगी। तो ये जान लीजिए कि भुजाओं की प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, पहले जान लीजिए। प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है एन माइनस टू इंटू 180 अपान एन, और यही दे दिया है, कितना 144 दे दिया, तो मैं इसे बराबर कर सकता हूँ। अच्छा, यदि मैं दोनों साइड को 12 से काट दूँ तो ये 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर एन को उस साइड ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा एन माइनस टू इंटू 15 इज इक्वल टू 12 एन, ठीक है। अब 15 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 15n-30 इज इक्वल टू 12n। अच्छा, इस 30 को इस साइड ले जाएं और 12 को इस साइड ले जाएं यदि, तो 3n इज इक्वल टू 30 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। और n क्या है, ये भुजा है, यहाँ पे भुजा मतलब खाने वाला भुजा नहीं, भुजा मतलब ये देखिए भुजाएं हैं इसके, आर्म्स जो है साइड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, चलिए यहाँ पे है आपका 57 नंबर। 57 नंबर क्या है आपका, कि एक समलंबी प्रिज्म, प्रिज्म की बात कर रहा है, का आधार दे दिया है 173 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है, उस प्रिज्म का 10,038 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तदनुसार उस प्रिज्म की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है इसका, इसका फार्मूला होता है 3 साइड इंटू एल, लंबाई, ठीक है। तो ये हमें साइड लेना है और लंबाई निकालना है, दो चीज़ निकालना है। तो लंबाई निकालने का एक सीधा सा फार्मूला होता है क्या, कि प्रिज्म का आयतन लंबाई बराबर एल इज इक्वल टू होता है क्या, आयतन वॉल्यूम अपान एरिया क्षेत्रफल। तो वॉल्यूम भी दे दिया है आपको कितना, 380 अपान और एरिया दे दिया है 173। अब इसे यदि डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा, यहाँ से यदि काट देंगे तो 6 आ जाएगा, डायरेक्ट ले जाइए तो एल इज इक्वल टू आ गया 60। देखिए इसे एल पता लग गया आपको और लंबाई पता हो गया आपको, तो भुजा केवल चाहिए आपको, जो साइड है बस वही मिल जाए तो हमारा हो जाएगा आंसर, आराम से हो जाएगा ना आंसर। चलिए अब देखिए आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, √3 × साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर। तो एरिया हमें पता है कितना है, 173 है, इज इक्वल टू √3 × s² मतलब साइड स्क्वायर। अच्छा, अब √3 साइड लेकर डिवाइड कर देगा यदि, तो यहाँ पे 173 अपॉन √3 इज इक्वल टू s² मतलब साइड स्क्वायर। अच्छा बताइए इसका कितना है, आपका √3 का यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जब दे दिया है, देखिए कितना है आपका, यहाँ पे रख दीजिए 1.7 इतना। अच्छा, ये डेसिमल हटेगा तो 0 यहाँ पहुँच जाएगा और 1 कटेगा तो ये 1 हो जाएगा, तो s² इज इक्वल टू हो गया आपका 100। अब s इज इक्वल हो गया, s इज इक्वल हो गया 10। अच्छा, जब s का साइड भी पता हो गया और लंबाई पता, l भी पता हो गया, तो उसका आयतन का फार्मूला क्या, सूत्र क्या होता है, फार्मूला पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होता है उसका, तो उसका होता है आपका 3 (side)l लेंथ, ठीक है। तो 3 साइड कितना दे दिया है, 10 निकाल लिए हम लोग और लंबाई पहले से निकाले थे, लेंथ को 60, आंसर आ जाएगा आपका 18, सॉरी आंसर आ जाएगा आपका 1200, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर ए है, चलिए नेक्स्ट है, एक सेकेंड, यहाँ पे 3 × 10 × 60 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1800, सॉरी सॉरी इसमें ऑप्शन गलत है, एक
यहाँ पे आ जाएगा 1800, सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, इसको नहीं करते हैं, बाद में इसको छोड़ देते हैं। 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर में क्या है, 59 नंबर में एक घन और एक ठोस के आयतनों का अनुपात 363 संबंध है 49 है, तदनुसार उस घन के एक सिरे की लंबाई और गोले की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। अच्छा जब इतना बात कर रहा है तो ये बताइए कि इसका घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वॉल्यूम का होता है आपका 1 क्यूब, ठीक, क्यूब का वॉल्यूम होता है 1 क्यूब। एंड गोले का क्या होता है आपका, स्फेयर का क्या होता है आयतन, मतलब वॉल्यूम, इसका हो जाता है आपका 4/3 πr³, 4/3 πr³, ठीक है। तो हमें ए भी दे दिया है, ए भी दे दिया है, तो इसी की जगह रख लेते हैं। ठीक, देख लेते हैं, रखिए, जब यहाँ पे रखेंगे तो 1³/r³ इज इक्वल टू आ जाएगा, नहीं एक स्टेप और पीछे कर देते हैं, तो 1³/4/3 πr³ इज इक्वल टू 363/449, ठीक है ना, इतना गया। अच्छा इस साइड, इसको भी उस साइड भेज दीजिए, इसको भी उस साइड भेज दीजिए, तो इधर बचेगा 1³/r³ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4/3 × π का मान 22/7/363/49। यहाँ से जब काटना शुरू करेंगे तो आ जाएगा 121 आ जाएगा, और यहाँ पे 7³ ये बन जाएगा ना, और यहाँ पे 11 × 2 है तो 11³ बन जाएगा, यहाँ पे 2³ बन जाएगा, तो आ गया क्या आप लोगों का 1/r³, क्यूब इधर हो गया, 2³ बन गया था, 11³ बन गया था और 7³ बन गया था। जब इसको हटाएंगे तो ये क्यूब रूट में चला जाएगा ना, तब जब क्यूब रूट में चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका 2 × 11/7, तो 22/7, ये आ जाएगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक सम खष्टभुज और एक सम त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान हो के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अच्छा जब इसकी बात कर रहा है तो ये जान लीजिए कि यदि खष्टभुज है तो उसका आधा होगा, तो त्रिभुज उसका भुजा तो बढ़ जाएगी ना, तो हो जाएगा परिमाप बराबर होने पर यदि खष्टभुज की जो होता है ना एक भुजा ए है, तो त्रिभुज यदि त्रिभुज की एक भुजा कितना हो जाएगी, 2a हो जाएगी, यदि खष्टभुज की ए है त्रिभुज की कितना हो जाएगी, 2a हो जाएगी, ठीक है। चलिए अच्छा अब खष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि खष्टभुज क्षेत्रफल अपान त्रिभुज इज इक्वल टू हो जाएगा, खष्टभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 3√3a² होता है आपका, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, अपन √3/2 × a² होता है आपका, त्रिभुज का होता है, ठीक है ना, ट्रायंगल का, इतना तो होगा पता। √ से √ कट गया, इसके बाद क्या हो गया कि ऊपर क्या a² से a² कटा और बचा क्या 3/2, तो आपका जो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो गया, 2/3/2 आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, एक हाल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, यदि उस हाल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के बराबर हो तो उस हाल का आयतन कितने घन मीटर होगा। आयतन पूछ रहा है हाल का, ठीक, हाल का आयतन पूछ रहा है, तो यदि हम लोग दीवारों की जो ऊंचाई है उसे h मान लें, तो छत और फर्श का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का योग कितना हो जाएगा, उसके क्षेत्रफलों का योग हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और क्षेत्रफल कितना होता है, 15 × लेंथ × ब्रीथ होता है, तो 2 मतलब नीचे का और ऊपर का मिलाकर 2 बार हो जाएगा, इसका हो जाएगा 180 प्लस हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो ये तो आ गया हम लोगों को दोनों ऊपर और नीचे का, छत और फर्श का क्षेत्रफल आ गया कितना, 360 आ गया है,
ठीक है। अच्छा, अब चारों दीवारों का क्षेत्रफलों का योग यदि हम लोग कहें तो उसका हो जाएगा 2H (L+B), 2H (L+B) हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13, कितना था वहाँ पर, हाँ 15 और 12 था, तो इसे ऐड करने के बाद मल्टी जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54H, 54H आ जाएगा आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफलों का योग आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब प्रश्न में दे दिया है पहले से चारों दीवारों के क्षेत्रफलों का योग, अभी दिया क्या निकालें हम लोग, 360 = 54H, तो एच कितना आ जाएगा आपका, ये 54 इधर जाके काट देगा इसे, तो एच अपान आ जाए इसके नीचे आ जाएगा 54, तो 20/3 आ जाएगा ना, H = 20/3 आ गया। अब एच वी पता हो गया आपको और एल पता है, बी पता ही है आपको, तो उसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L(b)(h) होता है। अब 15 कितना, 12 × 20/3, 3 से काटेंगे यदि तो 4, 4 2 जा आपका कितना हो जाएगा, इसको 15 × 12 × 10/3, 3 से 5 करेंगे 5 × 20 = 6, ये नहीं 20 था ना, तो आएगा आपका 15 × 12 × 20/3 था, 3 से 5 कटा, 5 × 12 = 60, 60 और × 20 हो जाएगा आपका कितना, 1200। चलिए नेक्स्ट है आपका, एक ठोस बेलन के कुछ सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल 462 cm² है, उसकी वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है, तदनुसार उस बेलन के त्रिज्या, बेलन सिलेंडर त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या पूछा जा रहा है इसमें 62 वाले में, तो ये बताइए कि वक्रीय जो आपको संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो 2π r² होता है ना, तो उसका 2π r² होता है, और ये कह रहा है कि एक 1/3 है इसका क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल तो पहले से दे दिया है और इसका 1/3 है, ए तो बनेगा ना आपका, तो इससे जब इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 154 आ जाएगा, और 154 किसके बराबर है, 2π r² के, जब टू इसको इससे काटेंगे 2 7 जा और यहाँ पर हो जाएगा 2 7 जा 77 हो गया। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे दी, (R²) = 77 आ गया, तो 11 से काटेंगे, 11 2 जा 11 7 जा 7 7 जा 49, 49 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 49 R²= 49, तो R = कितना हो जाएगा, R = हो जाएगा आपका 7। ठीक, चलिए आंसर नंबर ए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका, कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा मिलकर सी, बी और सी मिलकर कितने, 10 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल है एकदम, आराम से आप लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, यदि हम लोग ए प्लस बी कितना आपका 20 दिन है, और बी प्लस सी 10 दिन, और सी प्लस ए 12 दिन, एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का, इन तीनों का 60 हो जाएगा, और तब फिर यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 5। अच्छा ये तो रहा इन लोगों को, दोनों को मिलकर तो हो जाएगा क्या आपका, 2a + b + c + = 60/14, ये तो है ना। चलिए अब जब यहाँ पे, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 2a + b + c = 14/60, ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, तो a + b + c = 14/60 × 2, 2 से कटेगा 7/60, लास्ट में इसको उल्टा कर देते हैं, 60/7 हो जाता है, और जब 60/7 को जब डिवाइड करेंगे, मिक्स में चेंज करेंगे, तो आ जाएगा कौन सा आंसर आपका, सी,
सिक्सटी अपॉन सेवन को यदि डिवाइड करेंगे तो सिक्स एट फिफ्टी सिक्स और प्लस फोर अपॉन सेवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 64 नंबर, 64 नंबर आ जाइए यहाँ पे। ए कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में कम पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो अकेले बी के पूछा जा रहा है और वो कह रहा है कि जो ए से वो कितना 5 दिन में ही कर देता है पूरा। तो यदि बी पूरा करता है, बी दिन में मान लेते हैं बी, और जो सेकंड वाला है वो कितना दिन में करेगा, इससे 5 दिन कम, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। जब इतना आ जाएगा तो लिखेंगे 1/b + 1/-b -5 = कितना हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा। अच्छा अब इन लोगों का एलसीएम कितना हो जाएगा, b b-5 यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा b-5 + b हो जाएगा, b 2 भी हो गया यहाँ पे, यहाँ पे जब 2 भी हो जाएगा ठीक है, चलिए यहाँ पे जब 2 भी हो गया ऊपर अपान नीचे क्या हो गया, 5 था और b-5 था, 2b-5 b b-5 = 100/9 था, ठीक है, यही था ना। अच्छा अब इसका 100 का इस साइड मल्टीप्लाई और b into b-5 का इस साइड मल्टीप्लाई जब करेंगे सेकंड साइड में तो आ जाएगा आप लोगों का क्या, 200b-500 = 9b² - 45, ठीक है। अच्छा जब इस इतना करेंगे तो फिर इस साइड इसको ला देंगे आप तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, फिर 9b² - 245b + 500 = 0, ठीक। अच्छा अब यहाँ से यदि निकालेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक। देखिए क्या आप तो यहाँ पे तक पहुँच गया, इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करते हैं फिर बीच वालों को ऐसा करते हैं कि कितना मल्टीप्लाई कैसे करें कि यहाँ पे बी को ऐड करने पे इतना हो और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के बराबर आ जाए, तो करेंगे हम लोग तो आ जाएगा इसका आंसर 5। b = अकेला कितने दिन में कर सकता है, 25 के दिन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका, किसी टेलीविजन सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, पुनः उस पर 10% की छूट वाले मूल्य पर भी 10% की छूट दी जाती है, तदनुसार यह क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगी। अच्छा देखिए वैसे तो मैं बताने के लिए आप लोगों को ट्रिक बता दूं, बट ट्रिक किसी काम का नहीं रहेगा अगर नहीं आ रहा है तो, बेसिक सबसे अच्छा रहता है। किसी सेट के मूल्य पर हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं कि 100 रुपये का होगा, उस पर 10% जब उसको देंगे तो इसका 10% कितना होगा, 10 होगा ना, 10% निकालने के लिए देखिए 100 × 10/100 आ गया, इसका छूट देते हैं मतलब 90 रुपये के मिल गया ना। अच्छा फिर 90 रुपये भी करा फिर इसी पर 90 रुपये फिर 10% छूट दे रहा है, फिर 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा, फिर 9 रुपये हो जाएगा तो 81 रुपये हो जाएगा, पूरे 81 रुपये हो जाएगा। अच्छा टोटल कितना दिया गया, 19 रुपये 19%, ठीक, कितना हो जाएगा 19%। और यदि वैसे आपको फार्मूला चाहिए, देखिए फार्मूला होता है ±x + -y + -xy/100 होता है, तो -10 - 10 + 100/100 क्यों, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये छूट दे जा रही है, यदि गेन होता लाभ होता तो उसे यहाँ प्लस हो जाता, ठीक। तो यहाँ पे माइनस माइनस दो बार हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -20 - 20 - +1 = -19, छूट कितना मिली इसको 19%, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, सिंपल साधारण विधि से भी कर सकते हैं, सिंपल रूल से।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका 66 नंबर। तो 66 नंबर में क्या है, रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। 20% छूट पर खरीदा है, ठीक है। तो ठीक है 20% छूट पर खरीद लिया, और फिर कह रहा है कि 25% छूट पर खरीदा होता तो उसमें उसे 500 रुपये और बचा लिए होते, उसने 500 रुपये और बचा लिए होते। यदि छूट 25% मिली होती तो उसे 500 रुपया बच गया होता। अच्छा तो कितना परसेंट छूट दे रहा है, 5%। इसका मतलब 5% 500 के बराबर होगा, ठीक है। तो 5% 500 के बराबर हो जाएगा। पूछा क्या है, टीवी के कितने में ख़रीदा था उसने टोटल, तो क्या है यदि 5% 500 में है तो 1% कितना हो जाएगा, 1%। 500/5 और 100% की बात करेंगे तो 100% मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और हो जाएगा आपका 10,000 रुपये, ठीक। 10,000 रुपये। वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा अच्छा एक सब क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, टॉप लेवल का। चलिए ये वाला बता दीजिए अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, यहाँ पे आप लोगों का यह 3a-b होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रहे। पहले 3a-b -2b यहाँ पर रहेगा, ए वाला पूरा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर इससे रूल हम लोग क्या करें तो a अपन b इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना यहाँ पे, या तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 3b हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 3b हो जाएगा। अच्छा जब इसमें रखेंगे हम लोग तो 2a की जगह 3b रख देंगे तो ऊपर 6b हो जाएगा। जब ऊपर 6b हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, और a की वैल्यू कितना है, 3b/2 है ना, a की वैल्यू 3b/2 है। तो इसमें a की वैल्यू रखेंगे तो 3 9b/2 हो जाएगा प्लस 2b। तो यहाँ पे 4b हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, 4b और 9b में से 4b यदि माइनस होगा तो 5b/2 हो जाएगा नीचे। तो ऊपर हो गया 6b/5b/2। अब 2 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो जाएगा आपका 12b/5, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें 5b था ना, 20 से भी कट गया, 12/5 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट है, एक बर्तन है पथ है, इसमें ए में आपका अम्ल एंड पानी को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, और बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। तदनुसार उन बर्तनों के मिश्रणों में किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि उसमें शेष अम्ल तथा पानी का अनुपात 9.4 रह जाएगा। अच्छा देखिए इसको सबसे इजी तरीका क्या है करने का, एलिगेशन मेथड। क्या है, एलिगेशन मेथड। कैसे, देखिए 5:2 एंड कितना है आपका, और 8:5/9:4, ठीक है ना। चलिए तो क्या कोई भी एक ले लीजिए आप, इसको ऐसे ले लीजिए, यही इससे पहले इससे सबका ले लीजिए। तो यदि पहला हिस्सा वहाँ पर लेंगे तो 5/7 हो जाएगा, 8/13 हो जाएगा और 9/13 हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर दे दी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इन सबका, हो जाएगा 91 से मल्टीप्लाई कर दें सब में, तो ये कितना 13 5 = 65 यहाँ पर आ गया। अब फिर यहाँ पर 13 7 8 = कितना हो जाएगा, 56 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कितना आया, यहाँ पे भी 7 से कटेगा तो 7 63 आ गया। तो यहाँ पे 65 56 65 56 और 63। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 56 जो है इसमें जो बड़ा है इसमें माइनस करेंगे यदि तो कितना आ जाएगा आपका, 4 और 3 7 आ गया इधर, और 2 6 एंड 5 65 में से 63 जाएगा 2 जाएगा, तो 6:2 आ गया आंसर आपका, 6:2। अम्ल एंड पानी का पूछा है तो अम्ल एंड पानी कितना, सॉरी 7:2 आंसर हो गया, ठीक है, समझ में तो आया ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, यक्ष संख्याओं का औसत वाई है और वाई संख्याओं का औसत यक्ष, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि अब यक्ष संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो यक्ष वाई हो जाएगा, और वाई संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा या तो एक्स वाई हो जाएगा। टोटल संख्याएं हैं कितनी, दो हैं, एक्स और वाई,
ठीक है, तो टोटल संख्याओं का योग x प्लस वाई, सॉरी कितना संख्याओं का योग कितना है, x वाई प्लस x वाई अपान कितनी संख्याएं हैं, x प्लस वाई हैं। अब बताइए x x वाई और x वाई ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2xy हो जाएगा अपान x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, चलिए तो कितना देखिए, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी, चलिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे टफ नहीं बनाया गया ये मान लीजिए आप लोग, इससे टफ नहीं बनाया गया, जो मैं टेक्स्ट सीरीज बनाए इससे टफ नहीं बनाएगा ये जान लीजिएगा, जो मैं करा दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट आपका, एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों को गणना में उसका सारणीय गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है और 58 का औसत प्राप्त हो जाता है, तदनुसार उस छात्रों के वास्तविक प्राप्तांकों का औसत कितना है। ये कह रहा है कि 100 स्टूडेंट्स हैं, उसका औसत एवरेज कितना है, 58 है, तो ऐड करने कितना हो जाएगा, 58 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5800 हो जाएगा। अच्छा कितना गलत कर रहा है, तो कितना गलत कर रहा है आपका, गलत कर रहा है कि 86 करना चाहिए था और 68 कर दिया, मतलब 18 इसमें से जब माइनस करेंगे 86 में से 68 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 18, 18 सब में कम कर रहा था, जब 18 कम कर रहा था इसमें ऐड कर दीजिए 18, ठीक 18 जब ऐड करेंगे तो 58 इंटू 18 प्लस 18 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अच्छा अब करा नया क्या होगा, वास्तविक आपका क्या था, तो इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो हटेगा डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 58.18, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं आपका, आपका इंग्लिश, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पोर्शन है, अगला पोर्शन है इसका कि एट एलिमेंट्री स्टेज मीडियम ऑफ इंडक्शन इंस्ट्रक्शन शुड बी, तो बताइए 71 का क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका हो जाएगा सी इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट है आपका, देयर आर इम्फेसिस ऑन डैश इन द बाइलिंगुअल मेथड, इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसमें हो जाएगा एम्पल यूज ऑफ द मदर टंग। चलिए ग्रामर इज टॉट विथ ग्रामर बुक, दिस इज एप्लीकेबल टू ग्रामर, ग्रामर बुक से यदि पढ़ी जाए तो क्या है एप्लीकेबल, क्या होगा इसमें ये बताइए, तो इसमें हो जाएगा आपका द ट्रांसलेशन मेथड, यदि हम लोग ग्रामर किसी ग्रामर बुक से पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, तो ट्रांसलेशन मेथड कहा जाएगा, ठीक है ना। चलिए द साइको लिंग्विस्ट अपहोल्ड दिस व्यू दैट इन द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग द यूज ऑफ द मदर टंग इज, क्या कहलाएगा, तो आपका हो जाएगा आंसर बी अ हिंड्रेंस। चलिए नेक्स्ट है, इन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, क्या होता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये होता है द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन, किससे ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंस रहता है आपका, तो द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, द राइट ऑर्डर ऑफ सिक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल इज, क्या होता है आपका, इसका हो जाएगा एकदम राइट जो सीक्वेंस हो क्या है, पहले लिसनिंग करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, फिर सुनना चाहिए, फिर लिखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए द स्किल ऑफ स्पीकिंग इज डैश बाय द टीचर बाय इंग्लिश टीचिंग इन अकॉर्ड विथ द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड जो टीचर को किसी कैसे यूज किया जाता है ये बताइए इसमें, तो इसमें हो जाएगा नेग्लेक्टेड, ठीक है नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर देते हैं। चलिए इसके बाद है सेंटेंस पैटर्न प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल इज ट्रांसलेशन इज डन इन द क्लासरूम इट इज डेमेरिट ऑफ, ए एम रहेगा डेमेरिट ऑफ, ठीक है यहाँ क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन मेथड कहलाया गया। व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की सोल क्या कहलाता है, एक कहलाता है स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर बनाना ही वहाँ की सोल आत्मा कहलाती है। इन द ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड
द मेन फोकस इज ऑन किस पर किया जाता है मेन फोकस? ट्रांसलेशन पे, इस मेथड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ है, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, पहले इतना पैराग्राफ पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। तब अशुद्धोच्चारण का कारक कारण हो सकता है, अशुद्धोच्चारण का कारण हो सकता है क्या? उपयुक्त सभी, क्रोध में बोलना, भयभीत होकर बोलना और शब्दों को चबा चबा कर बोलना। गहन अध्ययन निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा में प्रारंभ किया जाता है, किया जाना उचित होता है? किस में होता है आपका? क्लास सिक्स से। वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? तो कौन सा कार्य इसमें पहले कराया जाता है? आपका बी, वर्णमाला लिखना। चलिए नेक्स्ट है, भाषा के अंग हैं, भाषा के अंग कौन हैं? इसका हो जाएगा आपका ए, वाचन। चलिए भाषा द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं क्या? भाषा द्वारा क्या अभिव्यक्त किए जाते हैं आपका? तो भाषा द्वारा आपका अभिव्यक्त किए जाते हैं कविता, ठीक है। चलिए इसके बाद है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा प्रयुक्त त्रिभाषा सूत्र के अनुसार अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा को बनाया गया है, क्या बनाया गया है? अनिवार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक और अनिवार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक, कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। और हिंदी भाषा में हिंदी है ही नहीं। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं, तो शब्द के शुद्ध उच्चारण निर्भर किस पर करते हैं आपका? डी, प्रयुक्त सभी, बोलने के सुर पर, बोलने के बल पर और बोलने के अनुतान पर। चलिए पोस्ट का पूर्ण रूप है क्या? पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है आपका? पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। लाइनेक्स एक है, लाइनेक्स एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट आपका मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है आपका? सर्किट बोर्ड, सॉरी आपका है मदरबोर्ड, हाँ सर्किट बोर्ड, जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? तो इसका होस्ट का क्या अर्थ है आपका? तो होस्ट का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन और भी है, हाँ वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, होस्ट का वही अर्थ होता है। तो कितने किलोबाइट में, कितने किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1024 किलो केबी से एक मेगाबाइट बनता है और 1024 मेगाबाइट से एक जीबी बनता है गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट से बनता है एक टेराबाइट मतलब टीवी, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का 100 क्वेश्चन का पार्ट, मतलब टेस्ट नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जितने भी मैं कराऊंगा लगभग उससे टफ तो नहीं पूछेगा, ये जान लीजिएगा, उसी में से कहीं ना कहीं उसी का लेवल रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं और चैनल को, जो लोग नए पहली बार विजिट करें, लाइक और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगला वीडियो कल फिर आ जाएगा टेस्ट का, ठीक है। चलिए तो चैनल पर बनाए रखें, टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपको वहीं पर मिल जाए तुरंत। चलिए।